हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है। आप मुझे अन अकेडमी पर मेरे नाम ललित कुमार से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर CSIR गेट टीफर जेट्स एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के वीडियोस बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे अन अकेडमी के कुछ कोर्सेज हैं, आप जाकर इनको देख सकते हैं। मैंने इन सभी कोर्सेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर इनको देख सकते हैं और आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्य और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल मैकेनिक्स फिजिक्स। और आज हम क्लासिकल ऑस्किलेटर्स के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है, फाइंड द पार्टीशन फंक्शन फॉर क्लासिकल ऑस्किलेटर। हम यहाँ पे आज क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे किसके लिए, सिंगल क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए, और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे एन क्लासिकल ऑस्किलेटर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। तो वी नो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए कितना हो जाएगा, जेड वन इज इक्वल टू वन अपॉन एच इंटीग्रल ई की पावर माइनस बीटा एच डी क्यू डी पी। ये मेरे पास कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखा है मैंने किसकी फॉर्म में, सिंगल क्लासिकल ऑस्किलेटर का। ये क्या है मेरा पास, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है। अब हम यहां पर जो एच है, एच क्या है मेरे पास, हैमिल्टोनियन किसका, क्लासिकल ऑस्किलेटर का। तो हम जानते हैं कि क्लासिकल ऑस्किलेटर का जो हैमिल्टोनियन होता है वो कितना होगा, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो मेरे पास जेड वन आ जाएगा, वो जेड वन आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन एच इंटीग्रल ई की पावर माइनस बीटा, इस एच की वैल्यू को हम लगा देंगे तो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी क्यू टी पी। अब इस बीटा की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन एच इंटीग्रल ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन टू एम ई की पावर माइनस बीटा एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन टू डी क्यू डी पी। अब यहां पर मेरे पास डबल इंटीग्रल है, डी क्यू और डी पी की फॉर्म में, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म में मेरा इंटीग्रल है, तो मैं इसको सेपरेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं इसे लिख लूंगा वन अपॉन एच माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन टू एम डी पी इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस बीटा एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन टू डी क्यू। ये मेरे पास दो इंटीग्रल हैं। अब हम इन दो इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो इंटीग्रल है ये किसकी फॉर्म में है, देखिए ये जो फॉर्म है, ये जो मेरे पास फॉर्म आई है ये कुछ इस तरीके की फॉर्म है, माइनस बीटा से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कि इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पाई अपॉन अल्फा। तो ये इंटीग्रल भी कुछ इसी तरीके से है, देखिए यह है माइनस बीटा
पी स्क्वायर अपॉन टू एम डी पी, और यहाँ पर है बीटा एम ओमेगा स्क्वायर की स्क्वायर टू अपॉन इंटू डी क्यू। अब मैं यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट यानी कि मान लेते हैं हमारे पास जो अल्फा वन है, मैं अल्फा वन ले लेता हूं बीटा अपॉन टू एम, तो अल्फा वन आ गया मेरे पास बीटा अपॉन टू एम। इसी तरीके से हम अल्फा टू मान लेते हैं, अल्फा टू क्या हो जाएगा बीटा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा मेरे पास बीटा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू। तो ये मेरे पास बीटा अपॉन टू एम अल्फा वन और बीटा एम ओमेगा स्क्वायर टू अल्फा टू, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं जेड वन इज इक्वल टू वन अपॉन एच माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा वन पी स्क्वायर डी पी। एक इंटीग्रल मेरा ये हो गया, अब दूसरा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा टू क्यू स्क्वायर डी क्यू। अब ये देखिए ये इसी की एग्जैक्ट फॉर्म हो गई है, ये एच स्क्वायर की जगह यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं जेड वन इज इक्वल टू वन अपॉन एच अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा वन ब्रैकेट अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा टू। अभी अंडर रूट पाई और अंडर रूट पाई क्या हो गया, पाई हो गया, तो पाई अपॉन एच यहां आ जाएगा, पर अंदर क्या बचेगा वन अपॉन अल्फा वन अल्फा टू। अब इस अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, अब जेड वन इज इक्वल टू पाई अपॉन एच अंडर रूट वन अपॉन अल्फा वन की वैल्यू क्या है बीटा अपॉन टू एम, बीटा अपॉन टू एम, और अल्फा टू की वैल्यू क्या है बीटा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ जाएगा पाई अपॉन एच अंडर रूट ये कितना हो जाएगा फोर एम अपॉन बीटा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर। इस एम से ये एम कैंसिल हो गया, ये टू बाहर आ जाएगा, तो टू फोर का रूट कितना होता है टू अपॉन ये बीटा स्क्वायर है ये ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बीटा ओमेगा। तो ये मेरे पास और ये एच, तो ये मेरे पास क्या आ गया जेड वन। अब एच कट कितना होता है मेरे पास, एच कट होता है मेरे पास एच अपॉन टू पाई, तो ये मेरे पास टू पाई अपॉन एच, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं टू पाई अपॉन एच को मैं एच कट लिख सकता हूं, तो जेड वन इज इक्वल टू जाएगा वन अपॉन एच कट ओमेगा बीटा, मींस जेड वन इज इक्वल टू बीटा एच कट ओमेगा। तो ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया किसके लिए, सिंगल क्लासिकल ऑस्किलेटर का, ये मेरे पास क्या है पार्टीशन फंक्शन है। मैं इसको बीटा को वन अपॉन बीटा क्या होता है के टी होता है, मींस इसे रफ कर लेते हैं, वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास के टी, तो जेड वन कितना आ जाएगा यहां पे हम जेड वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी के टी अपॉन एच कट ओमेगा। एक पार्टीशन फंक्शन मेरा इस फॉर्म में आ गया, एक पार्टीशन फंक्शन इस फॉर्म में आ गया, और दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बीटा एच कट ओमेगा की पावर माइनस वन। एक पार्टीशन फंक्शन हमारा इस फॉर्म में आ गया है। तो ये था मेरा पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल क्लासिकल ऑस्किलेटर। अब हम फाइंड करेंगे पार्टीशन फंक्शन फॉर एन क्लासिकल ऑस्किलेटर का, मतलब मेरे पास एन क्लासिकल ऑस्किलेटर है उसके लिए हम पार्टीशन फंक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारा रिजल्ट यही है, सिंगल पार्टीशन फंक्शन का रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं एन
ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है मेरे पास सिंगल क्लासिकल ऑस्किलेटर का। अब हम फाइंड करेंगे किसके लिए, एन क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए, एन क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए। तो एन क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन होगा, हम जानते हैं पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जेड वन, जब एन हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ एन, तो हम सिंगल पार्टीशन फंक्शन की पावर एन कर देते हैं। तो सिंगल पार्टीशन फंक्शन क्या आया था मेरे पास, बीटा एच कट ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस एन। तो ये आ गया मेरे पास पार्टीशन फंक्शन फॉर एन क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए। और हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा की पावर एन और के टी एच कट ओमेगा की पावर एन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आया था एन क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए, अब हम एन क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए एनर्जी और प्रेशर फाइंड करते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करेंगे क्या, एवरेज एनर्जी और प्रेशर। तो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन था वो ये था, जेड इज इक्वल टू बीटा एच कट ओमेगा माइनस एन फॉर एन क्लासिकल ऑस्किलेटर। अब मैं इसका लॉग ले लेता हूं, लॉग जेड इज इक्वल टू माइनस का एन लॉग बीटा एच कट ओमेगा, ये मेरे पास इसका लॉग आ गया। अब हम एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा लॉग जेड। अब इसका, इस इक्वेशन का बीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होता है डेल अपॉन डेल एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू होता है वन अपॉन एक्स, ये हमारे पास होता है। तो एन हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एन अब डेल अपॉन डेल बीटा लॉग बीटा, ये हम इसका करेंगे बीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये एक्स है तो ये आएगा एन अपॉन बीटा एच नेट। अब फिर से इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो हमारी जो एवरेज एनर्जी आ गई है वो आ गया है एन अपॉन बीटा मीन्स KT and KT। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी आ रही है इसके लिए n क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए, ये मेरे पास क्या है एवरेज एनर्जी। अब हम फाइंड करेंगे प्रेशर, प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रेशर होगा हमारे पास वन अपॉन बीटा डेल लॉग जेड अपॉन डेल वी। इस इक्वेशन का, इस लॉग जेड इक्वेशन का हम वी के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, तो उस केस में जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो, क्योंकि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट है किससे, वॉल्यूम से। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा जीरो, यानी कि क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। अब हम फाइंड करेंगे केमिकल पोटेंशियल, तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बीटा डेल लॉग जेड अपॉन डेल
एन, यानी कि एन के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये जो टर्म है मेरे पास ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लॉग या टर्म कांस्टेंट होगी क्योंकि इसमें एन नहीं आ रहा, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन बीटा लॉग बीटा, ये मेरा पूरा बाहर आ चुका है। अब इसका करेंगे, ये माइनस था, ये इसका आगे माइनस है, ये माइनस है, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब एन के रिस्पेक्ट में करेंगे, मींस डेल अपॉन डेल एन, इसका एन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वन। तो मेरे पास म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया लॉग बीटा अपॉन बीटा, मींस म्यू इज इक्वल टू के टी लॉग बीटा एच पैट न्यू ओमेगा। ये मेरे पास केमिकल पोटेंशियल आ गया है क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए, ये मेरे पास क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। अब हम फाइंड करेंगे फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फ्री एनर्जी होती है मेरे पास अब हम फाइंड करेंगे फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग जेड। तो माइनस के टी लॉग जेड की वैल्यू क्या है, यह पुट करेंगे माइनस एन लॉग बीटा एच कट ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, तो एफ इज इक्वल टू हो गया एन के टी लॉग बीटा एच कट ओमेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फ्री एनर्जी आ गई। अब हमने केमिकल पोटेंशियल पहले फाइंड कर लिया था, तो केमिकल पोटेंशियल क्या था मेरे पास, केमिकल पोटेंशियल आया था के टी लॉग बीटा एच कट ओमेगा। अब हम फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड म्यू, यानी कि केमिकल पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है, एन के टी लॉग बीटा एच कट ओमेगा, और ये वैल्यू क्या है मेरे पास, म्यू। तो एफ इज इक्वल टू एन म्यू, तो म्यू मेरे पास कितना आ गया, एफ अपॉन एन। तो ये मेरे पास केमिकल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी में क्या है, रिलेशन है, यानी कि हम फ्री एनर्जी को नंबर ऑफ ऑस्किलेटर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, केमिकल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये मेरे पास केमिकल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी में रिलेशन था। अब हम फाइंड करते हैं सिस्टम की एंट्रोपी। सिस्टम की एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी क्या होती है सिस्टम की, एस इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, यानी कि फ्री एनर्जी का हम टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और एफ क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एफ है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल टी एन के टी लॉग। अब मैं इसको, ये हमारे टी के रिस्पेक्ट में है तो बीटा को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन के टी, तो ये हो जाएगा के टी। अब एन के कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा बाहर आ गया है, तो एस इज इक्वल टू माइनस एन के बाहर आ गया है, तो डेल अपॉन डेल टी टी लॉग अपॉन के टी, ये आ गया। अब इसका हम ये देख, इसका हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो ये मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे माइनस का एन के, पहले टी को ऐसे रहने देते हैं, लॉग इसका कर लेते हैं, ये हो गया लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन
एच कट ओमेगा अपॉन के टी, और फिर से इसका करेंगे तो कितना आएगा, एच कट के टी स्क्वायर माइनस का, ये आ गया है मेरे पास। अब प्लस लॉग एच कट ओमेगा अपॉन के टी, अटीका करेंगे वन, तो देखिए ये आ गया। तो ये आ गया एस इज इक्वल टू माइनस एन के, ये के टी हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा के टी स्क्वायर अपॉन एच कट ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस एच कट ओमेगा अपॉन के टी स्क्वायर प्लस लॉग एच कट ओमेगा अपॉन के टी। तो इस एच कट ओमेगा से ये एच कट ओमेगा कैंसिल, इस के टी स्क्वायर से ये के टी स्क्वायर कैंसिल, ये बचा माइनस, तो ये हो गया माइनस एन के माइनस वन प्लस लॉग एच कट ओमेगा अपॉन के टी। अब इस माइनस से हम अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एन के, ये हो गया प्लस माइनस लॉग एच कट ओमेगा अपॉन के टी। तो ये आ गया मेरे पास एंट्रोपी। एक एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है, और अगर मैं इसको के टी अपॉन एच कट ओमेगा कर दूं तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू एन के वन प्लस लॉग के टी अपॉन एच कट ओमेगा। तो एक एंट्रोपी का फॉर्मूला यह आ गया है मेरे पास। इसको कभी कभी एक क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ जाता है, एन के प्लस एन के लॉग के टी अपॉन एच कट ओमेगा और एस इज इक्वल टू एन के लॉग वन अपॉन बीटा प्लस एन के। ये हमारे पास एन क्लासिकल ऑस्किलेटर के लिए एंट्रोपी थी। एक एंट्रोपी का फॉर्मूला माइनस में है, माइनस में कब है, जब एच कट ओमेगा अपॉन के टी है, प्लस में कब है, जब के टी अपॉन एच कट ओमेगा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने के टी को क्या लिख लिया, वन अपॉन बीटा एच कट ओमेगा प्लस एन के। तो ये था मेरे पास पार्टीशन फंक्शन फॉर क्लासिकल ऑस्किलेटर। थैंक यू।